हमारे बीच नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है इस पर ही बात होगी। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है झारखंड में, आखिर क्यों बेटियां हमारे सुरक्षित नहीं रह रही हैं, आखिर क्यों ऐसे सिफरे आशिक बढ़ते चले जा रहे हैं और ऐसी घटनाएं भी लगातार बढ़ते चले जा रही हैं। साथ ही बात होगी प्रोजेक्ट भवन की भी, जहां पे काफी दिनों के बाद आज थोड़ी सी हलचल हुई और थोड़ी क्या गुलजार नजर आया प्रोजेक्ट भवन, मानो एक बार फिर से सरकार कामकाज पर लौट आई है उस अनिश्चितताओं के बादल के बीच भी कि काम सर्वोपरि है, जनता का काम होना चाहिए। साथ ही बात होगी गिरडी में हुए उस प्रशिक्षण शिविर की भी, जहां बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को टिप्स दिया कि कैसे आने वाले दिनों में चुनाव को लेकर उन्हें तैयारी में जुट जाना, जनता के बीच जाना है, मानसिक रूप से आपको तैयार रहना है। तमाम बातें होंगी, डंके की चोट पर होंगी। अगर अंकिता को इंसाफ कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या सिर्फ इसलिए मिल जाएगा, क्या सिर्फ इससे ही मिल जाएगा कि उसका कातिल आज हिरासत में है, शाहरुख पकड़ा गया है, नईम भी पकड़ा जा चुका है, दोनों जेल में है, तो क्या इससे हम मान लें कि अंकिता को न्याय मिल चुका है? अंकिता को न्याय उस दिन मिलेगा जब झारखंड की हर एक बेटी खुद को सुरक्षित महसूस करेगी और ऐसे सिरफिरे आशिक इस तरह की घटना को अंजाम देने से पहले 10 बार सोचेंगे। और यही वजह है कि अंकिता की मौत के बाद से दुमका से लेकर रांची तक तनाव है, आक्रोश है, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि हत्यारे को फांसी की सजा मिले, इस बात की मांग कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह कि क्या शाहरुख और नईम को फांसी हो जाने से बाकी हमारी बहनें, बेटियां, बहुएं सुरक्षित हो जाएंगी? एक ऐसे समाज का निर्माण हमें करना होगा इस घटना के बाद से, जब हम कहते तो जरूर हैं कि बेटा बेटी एक समान है, लेकिन बेटियां क्या समान है, आपको लगता है ऐसा? यही वजह कि अंकिता के इस मौत के बाद से उबाल है, लोगों में आक्रोश है कि आखिर हमारी बहु बेटियों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कब तक होगा, क्या किया जाए? और इसलिए दुमका से लेकर झारखंड के हर हिस्से में तनाव है। हत्यारों को फांसी देने की मांग की जा रही है, बाजारों दुकानें बंद रही, दुमका की बात करें तो सड़कों पर सन्नाटा पसरा नजर आया। इस बीच कड़ी सुरक्षा के बीच अंकिता का अंतिम संस्कार किया गया, नम आंखों से उसे अंतिम विदाई दी गई, संकल्प लिया गया, लोगों ने संकल्प लिया कि अब हम और किसी बेटी के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। वहीं पुलिस ने दूसरे आरोपी छोटू उर्फ नईम खान को भी गिरफ्तार कर लिया है, जेल भेज दिया। एक रिपोर्ट देखिए और फिर इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर कब तक ऐसा होता रहेगा और हम देखते रहेंगे, आंदोलन करेंगे, आक्रोशित होते रहेंगे, वजह क्या है इसकी और कौन कौन लोग इसके पीछे जिम्मेदार हैं, क्या सिर्फ सरकार या फिर खुद हम भी, हमारा समाज, हमारे बच्चे। एक रिपोर्ट पहले हत्याकांड को लेकर दुमका में तनाव, बाजार और दुकानें बंद, सड़कों पर सन्नाटा, अंकिता के हत्यारे को फांसी देने की मांग, दुमका की बेटी अंकिता को इंसाफ देने की मांग को लेकर उपराजधानी दुमका बंद है, बाजार और दुकानें बंद है, वहीं सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। इस बीच तनाव को देखते हुए प्रशासन ने शहर में धारा 144 लागू कर दी है। इस बीच कड़ी सुरक्षा के बीच अंकिता का अंतिम संस्कार किया गया, अंतिम यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए, लोगों ने हत्यारे को फांसी की सजा देने की मांग की, साथ ही परिवार को मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की भी मांग की गई। कोर्ट के तहत एक महीना में जिसने भी ऐसा अपराध किया है, संगीन अपराध किया है, उसको फांसी की ही सजा होनी चाहिए। हमारे पास कोर्ट के माध्यम से उसको जल्द से जल्द फांसी हो और जो है मृतक को जो है उनके परिजनों को मुआवजा मिले और साथ ही साथ सरकारी नौकरी मिले, तो यह भारतीय जनता पार्टी का मांग है। इस बीच पुलिस ने अंकिता हत्याकांड के दूसरे आरोपी छोटू उर्फ नईम खान को भी गिरफ्तार कर लिया है। वही आरोपी को छोड़ने की बात को पुलिस ने अफवाह करार दिया है, भ्रम पैदा किया गया है कि वो आरोपी को छोड़ दिया गया, ये सारी चीज इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। उस दूसरे आरोपी के जो सूचना मिल रही थी उसको भी हम लोगों ने डिटेन किया, जो सच मिले उसके मुताबिक अगतर कार्रवाई करेंगे। और एक अभियुक्त पहले गिरफ्तार हो चुका है, जो कि 23 तारीख को शाहरुख नाम का व्यक्ति जो है एक्यूज पकड़ाया था, और उसके बाद में अप्राथमिक एक्यूज के रूप में नईम उर्फ छोटू खान का वो अरेस्टिंग हो गया है, जिसको आज फॉरवर्ड कर दिया जा रहा है। 23 अगस्त को अंकिता पर पेट्रोल डालकर लगा दी गई थी आग,
पड़ोसी शाहरुख हुसैन पर पेट्रोल डालकर आग लगाने का आरोप। गंभीर हालत में फूलो जानो मेडिकल कॉलेज में कराया गया था भर्ती, जहां संकिता को बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया था। घटना के 5 दिन बाद जिंदगी की जंग हार गई अंकिता कुमारी। 28 अगस्त को रिम्स में इलाज के दौरान अंकिता की हुई मौत। दोस्ती करने के लिए लगातार दबाव डाल रहा था शाहरुख। अंकिता के डांटने पर धमकी देता था शाहरुख हुसैन। दोस्ती नहीं करने पर जान से मारने की देता था धमकी। अस्पताल में भर्ती अंकिता ने मौत से कुछ घंटे पहले अपने साथ हुए बर्बरता की पूरी कहानी बयां की थी। दोस्ती करने से इनकार करने से बौखलाया शाहरुख हुसैन ने अंकिता पर पेट्रोल डालकर उस वक्त आग लगा दी जब अंकिता अपने घर में सोई हुई थी, जिसके बाद परिजनों ने गंभीर हालत में अंकिता को दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां से बेहतर इलाज के लिए अंकिता को रिम्स रेफर कर दिया गया था। लेकिन 5 दिन बाद अंकिता कुमारी जिंदगी की जंग हार गई। अंकिता के गुनहगार पुलिस के शिकंजे में है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब दुमका की बेटी को इंसाफ मिलेगा। न्यूज 11 भारत के लिए दुमका से राजेश की रिपोर्ट। अंकिता हत्याकांड को लेकर रांची से दुमका पर उबाल है। हत्यारे को फांसी देने की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतर रहे। इस बीच सीएम ने डीजीपी से जांच की प्रगति रिपोर्ट मांगी, साथ ही एडीजी रैंक के अधिकारी से जांच कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंकिता के गुनाहगार नहीं बख्शे जाएंगे। उन्होंने फास्ट ट्रैक पर सुनवाई के निर्देश भी दिए, साथ ही पीड़ित परिजनों को 10 लाख की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। एडीजी रैंक के अधिकारी करेंगे जांच, डीजीपी से मांगी जांच की स्टेटस रिपोर्ट। अंकिता हत्याकांड को लेकर रांची से दुमका तक गुबाल है। अंकिता को इंसाफ देने की मांग की जा रही है, लोग सड़क पर उतर रहे हैं। इस बीच सीएम हेमंत सोरेन ने अंकिता हत्याकांड की जांच एडीजी रैंक के अधिकारी से कराने के निर्देश दिए हैं, साथ ही डीजीपी से जांच की प्रगति रिपोर्ट मांगी है। सीएम ने कहा कि अंकिता के गुनाहगार बख्शे नहीं जाएंगे। निश्चित रूप से काफी हृदय विदारक है और इसमें कानून अपना काम कर रहा है, और जो आरोपी हैं, जो इस घटना को अंजाम दिया है, लोग पकड़े भी गए हैं और हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द उसको सजा मिले। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अंकिता मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के निर्देश दिए हैं, साथ ही अंकिता के परिजनों को सरकार की ओर से 10 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ऐसे मामले के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ऐसे लोगों को तो कभी माफी नहीं करना चाहिए, इनको तो कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। और वर्तमान में जो प्रावधान है ऐसे घटनाओं को अंजाम देने के लिए जो सजा है, इस पे और कितना कड़ा किया जा सके, इसका प्रावधान करना चाहिए। अंकिता हत्याकांड को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने इसे लेकर सरकार को घेरा है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने अंकिता को इंसाफ देने की मांग की है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि दुमका की बेटी को इंसाफ मिले, ये सरकार की कोशिश है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने अंकिता के इलाज में किसी तरह की कमी से साफ इनकार किया है। सुनिश्चित करना चाहिए फास्ट ट्रैक में इसके ट्रायल किए जाएं, इसके सारे चीजों को जांच पड़ताल करके जो भी करना है चार्जशीट करके इसको तुरंत ये सुनिश्चित करना चाहिए कि न्याय उस जिसके साथ घटना घटी उनको मिले और उनके परिवार वालों को ये हो कि इस तरह के दोषी यदि इस तरह के घटनाओं को अंजाम देता है तो न्याय उसको फैसला दे करके दंड देता है। दुमका की बेटी नहीं, मैं तो ये कहूँगा वो मेरी बहन भी थी, और जिन कातिलों ने इस तरह का दुस्साहस किया है उन कातिलों को विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए फांसी के फंदे तक ले जाना इस सरकार का दायित्व और धर्म है, उसको हम निभाएंगे। इंसाफ की मांग को लेकर दुमका बंद रहा। तनाव को देखते हुए शहर में धारा 144 लागू है। अंकिता के गुनाहगारों को फांसी देने की मांग को लेकर न सिर्फ दुमका बल्कि राजधानी रांची में भी लोग सड़क पर उतरने लगे हैं। रांची में कई संगठनों ने मार्च निकाला और अंकिता के हत्यारे को फांसी देने की मांग की। इस बीच पुलिस ने दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
न्यूज 11 भारत के लिए गिरिडीह से श्रीकांत के साथ रांची से राकेश और शहनवाज की रिपोर्ट। तो अंगिता 5 दिनों तक जद्दोजहद करती रही, 5 दिनों के जद्दोजहद के बाद उसने आखिर अपनी जिंदगी से हार मानी और उसका निधन हो गया। इसके बाद से लोग गुस्से में हैं, आक्रोशित हैं और कई तरह की मांगे कर रहे हैं। इस गुस्से को बनाए रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यह गुस्सा या आक्रोश जरूरी है हमारे समाज को जगाने के लिए, लेकिन इस दौरान कानून को अपने हाथ में नहीं लेने का संकल्प लेना है, बल्कि कानून के प्रति सम्मान बना रहे और उस कानून के प्रति ऐसे लोगों में खौफ बना रहे जो समाज में इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। बहुत जरूरी है ये, खासतौर से झारखंड में, झारखंड जहां पर जो जनजातीय समाज है, जनजातीय बहुल राज्य है, जिसमें महिलाओं को बहुत ज्यादा सम्मान है, उस झारखंड में आखिर ऐसा कैसे हो रहा है, इस पर सोचने की, मंथन करने की जरूरत है। यह सच है कि इस घटना का जो कातिल है उसे कड़ी सजा मिले और लोगों में एक संदेश जाए कि अगर आपके आसपास घर में अगर इस तरह के विकृत मानसिकता वाले लोग हैं तो आप उन्हें काबू में रखें। अगर आपका बच्चा ऐसी किसी सोच के साथ आगे बढ़ रहा है तो आप उसे काबू में रखें, एक संदेश से तो जाना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ यह भी हमें तय करना होगा कि क्या हम अपने बहु बेटियों को सुरक्षित रख पाएंगे, और रखें तो कैसे रखें, क्या बंदिशें लगाकर रखें या फिर उस लिंगानुपात को हम खराब कर दें, खत्म कर दें, भ्रूण परीक्षण कराकर अपनी बेटियों को मार दें ताकि बेटी सुरक्षित रख पाए। तो ऐसे में जरूरी सबसे ज्यादा यह हो जाता है समाज को कि वो अपने बीच मौजूद ऐसे लोगों की शिनाख्त करे, उसका बहिष्कार करे, या संभव हो सके तो उसे सजा दिलवाए। मुखर होना बहुत जरूरी है। आप हर बात के लिए सरकार को दोष तो नहीं दे सकते, ठीक है कि सरकार के जरिए ही कानून का क्रियान्वयन होता है, समाज में डर और खौफ कानून के जरिए आता है, लेकिन फिर भी इस वक्त ये सोचने की बात है। हालांकि यहां भी दो पहलू हम देख रहे हैं, एक तरफ लोगों का गुस्सा है, आक्रोश है अपनी बहु बेटियों को लेकर, दूसरी ओर इसमें राजनीतिक नफा नुकसान भी तलाशा जाने लगा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी इमरान भी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ राजेश भी जुड़ेंगे, दोनों सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे और इसके हर एक पहलू पर हम जानने की और चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि आखिर अगर ऐसा हुआ है तो उसका जिम्मेदार कौन है, क्या वो सिर्फ वो शाहरुख या फिर हमारा समाज और समाज में मौजूद वो अभिभावक जो अपने बच्चों को ऐसी परवरिश करते हैं कि वो बच्चा कानून हाथ में ले लेता है और महिलाओं के सम्मान नहीं करता है, उसके ना के बावजूद उसे हां में तब्दील करने में जुटा रहता है, दबाव बनाता है और आखिर में उसकी जान ले लेता है। इमरान के पास चलते हैं। इमरान, देखिए जो हुआ बहुत ही गलत हुआ, जाहिर सी बात है इसमें कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो लोगों का गुस्सा आक्रोश इस वक्त नजर आ रहा है इस अंकिता के लिए, हमारी बेटी अंकिता के लिए, वो आक्रोश उस वक्त नजर क्यों नहीं आता जब लड़के चौक चौराहों पर मौजूद होते हैं और लड़कियों के साथ बदतमीजी करते हैं? तो क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम अपने बच्चों को इस तरीके से तैयार करें कि हर एक बेटी हमारी सुरक्षित रहे इस माहौल में, इस समाज में? ना सिर्फ दुमका में बल्कि राज्य भर में इसकी गूंज जो है वो साफ तौर से दिखाई दे रही है। हर एक वर्ग, चाहे वो आम हो, खास हो, तमाम जो लोग हैं इस पूरी घटना की कड़ी निंदा कर रहे हैं। दोषी शाहरुख जो इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। कड़ी कार्रवाई भी फांसी से कम नहीं होनी चाहिए, इनकी डिमांड की जा रही है। पिछले दिनों जब से यह पूरा मामला सामने आया उसके बाद से हर एक तरफ, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, राजनीतिक संगठन हो, या फिर आम हो, या फिर खास हो, सभी लोगों ने इस पूरी घटना को लेकर के लगातार आक्रोश और व्यक्त करते हुए नजर आए। और यह आक्रोश इसलिए भी लाजमी है क्योंकि एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। किसी ऐसी व्यक्ति या ऐसी छात्रा या ऐसी महिला या युवती के अब कमरे तक पहुंच जाते हैं और उस कमरे में पहुंच करके पेट्रोल छिड़ा करके आप किसी को आके हवाले कर देते हैं, कहीं ना कहीं आपकी सनकी मिजाज का ये आलम है, असल की मिजाज का ये तस्वीर है कि जिस तस्वीर को आपने पेश किया, आलम ये है वही कि जब 23 तारीख को दुमका पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी मिली, दुमका पुलिस ने पूरे मामले पर
कार्रवाई करते हुए दिन के 10 बजे आरोपी को पकड़ लिया और उसके बाद उनसे जब पूछताछ की गई और पीड़िता से भी जब पूरे मामले पर बयान लिया गया तो पुलिस को जानकारी मिली कि इसके साथ एक अन्य युवक भी था जिसने पेट्रोल मुहैया कराया था, जिसने पेट्रोल ला करके शाहरुख को दिया था। तो उस व्यक्ति की भी तलाश लगातार पुलिस कर रही थी और ऐसे में दुमका पुलिस को आज जाकर के ये पूरा ब्रेक थ्रू मिला जब दुमका पुलिस ने संबंधित एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। उससे जब पूछताछ की जा रही है और उनसे पूछताछ के क्रम में कई पहलुओं पर जांच की जा रही है। बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इस पूरे मामले में इस तरह की जो तस्वीर सामने आई इससे समाज को क्या कुछ मिल रहा है, किस तरह की चीजें सामने आ रही है। बिल्कुल पंकज आपने सही कहा कि हर एक चाहे वो कोई भी परिवार, कोई भी लड़का या फिर कोई भी लड़की हो, ऐसे ही परवरिश हम देख ताकि एक दूसरे के प्रति सम्मान बढ़े और सम्मान का नजरिया से ही हम इस तरह की चीजों को रोक सकते हैं और इस तरह की चीजों को रोका जा सकता था। आज आलम यह हुआ कि जब पूरी घटना हुई तो आज विभिन्न संगठन राजनीतिक संगठन के लोगों ने, सामाजिक संगठन के लोगों ने एक साथ खड़े होकर के आरोपी शाहरुख को कड़ी सजा दिलाने की मांग की। कई को हाथ में कैंडल मास था तो कई के पास हाथ में तख्तियां थी तो कई के पास कई बैनर पोस्टर थे जो उसमें साफ संकेत दे रहे थे कि अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो आरोपी को किसी भी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा और कानूनी दाव पेच के इस खेल में वो बचे नहीं। इस वजह से लगातार इस पूरे मामले पे प्रोटेस्ट भी किया जा रहा था और प्रोटेस्ट का आलम या रंग भी अब देखने को मिल रहा है। राज्य सरकार ने जहां पीड़ित के परिजनों को मुआवजे के रूप में अलग किसी भी छात्रा के या किसी भी युवती के या फिर किसी भी व्यक्ति के मरने के बाद मुआवजा कुछ बड़ी रकम नहीं होती है, लेकिन मरहम लगाने की कोशिश की गई है। उस परिवार को सहानुभूति के रूप में जो आर्थिक राशि है वो 10 लाख रुपए दिए गए। इस पूरे मामले को पुलिस मुख्यालय को भी निर्देशित किया गया कि एडीजी रैंक के जो अधिकारी हैं वो इस पूरे मामले पर गंभीरता से पूरे मामले को देखेंगे, सुनेंगे और जांच जो की दिशा जो है उसकी रिपोर्ट जो है वो सरकार को देंगे। जिसके बाद अब स्थिति ये हुई कि दुमका के रेंज के जो डीआईजी हैं उस पूरे कांड को लगातार गंभीरता से ले रहे हैं और अपने निगरानी में दुमका एसपी को जांच की जिम्मेवारी सौंपी गई है और दुमका एसपी इस पूरे मामले पर जांच कर रहे हैं। जांच की गति के साथ साथ इस पूरे मामले में उपायुक्त दुमका ने भी स्पीडी ट्रायल करने की अनुमति दे दी है और इस पूरे कांड को स्पीडी ट्रायल के जरिए जो आरोपी हैं जितने भी पकड़े गए हैं, अब तक 2 आरोपी इस पूरे कांड में पकड़े गए हैं, उनको इस पूरे मामले पर ट्रायल फेस करना होगा और आने वाले दिनों में बेहद कम समय पर इमरान देखिए निश्चित तौर पर अब जिसने क्राइम किया उसे तो सजा मिलेगी, बात तो सच है। क्या इसमें पुलिस की भूमिका भी कहीं संदिग्ध आपको नजर आती, क्योंकि जिस तरीके से ये बात भी सामने आ रही कि काफी पहले से वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा था, यानी कि परेशान करने का, कहीं से नंबर लेने का, दबाव बनाने का, तो क्या परिवार जो था वो पुलिस के पास नहीं गया था इसकी शिकायत करने, और नहीं गया था तो वजह क्या हो सकती? क्या पुलिस उनकी बातों को नहीं सुनती या फिर क्या होता? क्या पुलिस के प्रति सम्मान नहीं था या भरोसा नहीं था कि पुलिस कार्रवाई करेगी? देखिए पंकज, ये सारी बातें सामने आई है। अब ये सारी चीजें जांच की विषय है कि आखिर किस परिस्थिति में किस तरह की माहौल उत्पन्न हुआ और ये पूरी घटना घटी है, क्योंकि अब पूरी घटना को लेकर के एक उच्च स्तरीय जांच की कमेटी का भी गठन कर लिया गया है। तो सारे चीजों पर गंभीरता से जांच की जाएगी कि किन का रोल किस तरह से रहा है। क्या पीड़ित परिवार ने अपनी बेटी के प्रति जो चीजें जो घटनाक्रम घट रही थी, अगर कोई पीछा कर रहा था, कोई अगर फोन कर रहा था, वो आपके बेटी के संपर्क में था, वो विरोध कर रही थी, तो क्या अंकिता ने इस पूरी मामले की जानकारी अपने परिजनों को दी और परिजनों ने क्या जानकारी पुलिस प्रशासन के समक्ष रखी है? ये सारी चीजें जो हैं वो कड़ियां हैं जो आने वाले दिनों में जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर ये सारी चीजें हुई किस तरह से है और क्या कुछ घटनाक्रम हुई है। लेकिन 23 तारीख से लेकर के आज के तारीख तक अगर हम सारी चीजों को देखें तो कई चीजें बदली है। एक तरफ जहां अंकिता रिम्स में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है, बेहद गंभीर स्थिति में रांची के रिम्स पहुंची थी, बेहतर ट्रीटमेंट होने के बावजूद उनका इलाज यहां पर जो है इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। और अब इस मौत के बाद का जो आलम है, जो समाज में जो आक्रोश है, जो विभिन्न संगठनों में जिस बेहतर इलाज की बात की जा रही है, रिम्स में उसका बेहतर इलाज हो रहा था लेकिन उसके डॉक्टर से बचा नहीं सके, इसके बाद ही तो यह सवाल उठ रहा है कि आखिर क्यों बेहतर इलाज के लिए उसे एयर एम्बुलेंस के जरिए बड़े अस्पताल नहीं भेजा गया था, जैसा कि पिछले कई मामलों में होता रहा है, तो इसलिए सरकार पर सवाल उठ रहा है। हम रुक करते वास्तव में राजेश का, राजेश देखिए यह सवाल वाजिब है, लोगों का यह सवाल है कि आखिर एयर एम्बुलेंस के जरिए उसे बेहतर बड़े अस्पताल क्यों नहीं भेजा गया ताकि अंकिता आज हमारे बीच जिंदा होती, अंकिता को बचाया जा सकता, कहीं ना कहीं क्या ये फेलोर मानते हैं आप? संविधानहीनता की बात है ये? जब
जरूर आरोप लग रहे हैं कि अगर चाहती सरकार तो एयर एम्बुलेंस से लिफ्ट करके बेहतर इलाज के लिए दिल्ली या और भी कोई बड़े हॉस्पिटल में इसे भर्ती करा सकती है। और देश में ऐसे कुछ एक उदाहरण है कि जब 90% तक कोई बर्न है तो वहाँ वो सुधार हुआ है। अब कितना समय लगता है ये अलग विषय। ये बीजेपी का आरोप है कि इसमें कहीं ना कहीं सरकार जो है वह ओवरलुक कर दी। उसे इस बात का ज्ञान होना चाहिए था कि जिस प्रकार से यह घटना घटी है यह मामूली घटना नहीं है और इस पर बच्ची को बचाने के लिए यह प्रयास सरकार के स्तर से किया जाना चाहिए। आपको पता है कि कुछ दिन पहले भी जो रांची में हिंसा हुई थी उसके एक उसमें एक जख्मी व्यक्ति को एयर एम्बुलेंस से ले जाया गया था। तो बीजेपी का आरोप है कि सरकार कहीं ना कहीं इस मामले में लापरवाह रही है। और वैसे बन्ना गुप्ता ने कहा कि नहीं, यहाँ बेहतर इलाज हो रहा था। अब इलाज का क्या फलाफल है ये आप देखिए कि आज वो नहीं रही। इधर हमारी बात हुई जेएमएम से भी अभी थोड़ी देर पहले, तो उन्होंने कहा कि ये संभवतः नियति है कि उसकी मौत हो गई। ऐसे उदाहरण है कि निर्भया को विदेश ले जाया गया था, दिल्ली में जो निर्भया कांड हुआ था उसे विदेश ले जाया गया लेकिन नहीं बचाया जा सका। तो इसको कोरिलेट किया जा सकता है, लेकिन ये प्रयास तो किया ही जाना चाहिए था कि उसे बेहतर इलाज के लिए रांची से बाहर ले जाया जाए। और ये आरोप लग रहे हैं, लेकिन अब क्या है कि अब जो घटना हो गई है सबसे बड़ा विषय यह है कि इस तरह की घटना फिर ना हो। तो ये जो बीजेपी आरोप लगा रही है ये ईमानदारी से वो समाज ऐसी बात कर रही है या फिर इसका भी कुछ दूसरे चीजें भी वो देख रही है कि जिन्हें भेजा गया था वो एक दूसरे समाज से लोग थे और ये दूसरे समाज की थी अंकिता, ये रंग तो देने की कोशिश नहीं करी बीजेपी कहीं, क्योंकि बीजेपी का इतिहास ये भी रहा है। बीजेपी का नहीं, बीजेपी इसी एंगल से भी बोल रही है कि वह देखिए किसी के साथ इस तरह का किया गया जो सीरियस था उसे कई दिनों के बाद वहाँ एयर एम्बुलेंस ले जाया गया और ये मोस्ट सीरियस पेशेंट थी तो इसे ले जाना चाहिए था। और कहीं ना कहीं उसका कथित रूप से ये बीजेपी का आरोप है कि सरकार ने इसमें भेदभाव किया है। ये बिल्कुल आपका सही कहना है। और बीजेपी चूंकि राजनीति कर रही है, विपक्ष में है, तो सरकार पर हमला करने का कोई अवसर वह नहीं छोड़ती। आप देखें कि कल से ही ये अलग अलग जगहों पर विभिन्न इकाइयों के द्वारा धरना प्रदर्शन हो रहे हैं और आज भी हुए हैं। तो ये आरोप बीजेपी का है, लेकिन उधर जेएमएम ने डिफेंड किया है, कहा कि ऐसे उदाहरण भी है कि बाहर ले जाने पर कोई ऐसा बच ही जाएगा, ऐसा नहीं है, ये नियति है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने ये कहा कि यहाँ भी इलाज हो रहा था, लेकिन अब चूंकि वो अंकिता रही नहीं तो सबसे बेहतर ये रहेगा कि इस तरह के वाकयात कहीं फिर आगे ना हो। सरकार यह सुनिश्चित करेगी और समाज को भी बहुत संवेदनशील होना होगा कि ऐसे मामलों पर तुरंत रिएक्ट करें, क्योंकि जो बच्ची जिस प्रकार से बयान दी थी उसे लग रहा था कि शायद ये जो शाहरुख है वह वहाँ पर इस तरह की प्रवृत्ति रखे हुआ था कि लड़कियों से बात करना नहीं तो दबाव डालना, या इस तरह की प्रवृत्ति थी जैसा कि उसने बयान दिया था। उसके पिताजी का मैं बयान सुन रहा था, उसके दादाजी का एक बयान सुन रहा था कि इस पर पुलिस को एक्शन में किया जाता, लेकिन इससे पहले ही ये घटना घट गई। तो कभी कभी लोग लोकलाज से भी ऐसी चीज़ों को पुलिस थाने तक नहीं ले जाते हैं कि मामला हो सकता है कि समझाने से या डराने से समझ जाएगा, लेकिन कभी कभी कोई सनकी व्यक्ति होता है जो इस तरह की घटना को अंजाम दे देता है। तो महज इतनी सी बात के लिए कि वो बात नहीं कर रही है और बात नहीं कर रही उसको मार देना है, तो ये बड़ा ही मनोवैज्ञानिक कहीं ना कहीं ट्रॉमा है। ये आप देखें कि मानसिक स्थिति क्या है और लोग कह भी रहे हैं कि बहुत ही सनकी तरीके का लोग है। आप देखें कि वो जब वो हिरासत में था तब उसके बॉडी लैंग्वेज आप देखते कहीं से भी उसको बॉडी लैंग्वेज से नहीं सामने आ रहा था, नहीं आ रहा था। तो ये चीज़ देखना होगा कि ऐसे युवा जो हैं जो इस तरह की मनोवृत्ति रखते हैं उनको एक सबक मिलनी चाहिए, लेसन मिलनी चाहिए इस घटना के माध्यम से। ये काम तो खैर कोर्ट का है कि उसे क्या सज़ा मिलती है, लेकिन जो मांग उठ रही है कमोबेश जिस प्रकार से ये घटना को अंजाम दिया गया है तो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। और सरकार का प्रयास है कि जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को ले जाकर, और ये कहा जा रहा है कि सप्ताह 10 दिन के अंदर चार्जशीट
वहाँ फ्रेम दायर कर दिया जाएगा ताकि फिर पुलिस कोर्ट पर आगे की कार्रवाई कर सके। लेकिन समाज में आक्रोश है, आप यही नहीं जाने कि सिर्फ रांची नहीं, दुमका नहीं और पूरे देश में इस बात को लेकर चर्चा है, क्योंकि ये बातें पूरे देश में सोशल मीडिया के माध्यम से, नेशनल मीडिया के माध्यम से ये कल से ही चल रही है कि एक अंकिता को इस प्रकार से जला दिया गया। तो ये सिर्फ महज झारखंड की घटना नहीं रह गई, ये घटना झारखंड से जुड़ी हुई है लेकिन ये बात पूरे देश दुनिया में फैली हुई है। बिल्कुल बिल्कुल राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आपका भी और इमरान आपका भी, दोनों को पकड़ लिया है आपने। ये सिर्फ झारखंड के दुमका की बात नहीं है, ये हर परिवार के हर घर की बात है जहां पर बेटी है। बेटी सिर्फ इसलिए, बेटी को हम बचाने के लिए सिर्फ ऐसा ना हो कि पीसीपीएनडीटी एक्ट को हम मजबूत कर दें, लिंग परीक्षण ना कर पाए और इसलिए बेटी का जो अनुपात है वो झारखंड में बेहतर हो। हालांकि झारखंड में बेहतर है ये देश के मुकाबले, देश में 943 बेटियां हैं 1000 बेटों पर, वही झारखंड में यह अनुपात उससे थोड़ा ज्यादा है, 947-48 के आसपास में। तो इस अनुपात को सिर्फ बनाए रखने के लिए हमें कोशिश नहीं करनी है, इस अनुपात को हमें 1000 पर 1000 तो करना ही करना, लेकिन साथ ही साथ कहीं ऐसा ना हो कि लोग ऐसी घटनाओं के बाद से लिंग परीक्षण कराए और बेटियों को जन्म ना लेने दें, बेटियों को कोख में ही मार डाले। और इसके लिए फिर सरकार को कोशिश करनी होगी, सिर्फ भ्रूण परीक्षण कानूनों को मजबूत करके नहीं बल्कि ऐसे कानून बनाकर कि समाज में बेटियां खुद को सुरक्षित महसूस करें। अगर बेटियों के साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो बेटियां बेझिझक होकर अपने परिजनों को यह बात कह सके, क्योंकि जनजातीय समाज है, हम ये बता रहे हैं आपको, झारखंड एक जनजातीय समाज बहुल वाला राज्य जहां पर बेटियों को बहुत ज्यादा तवज्जो मिलती है, वो तवज्जो हर एक परिवार में हो कि बेटियां खुलकर बता सके कि उसके साथ क्या कोई क्या कह रहा है, क्योंकि कई बार होता है उन पर दबाव होता है, लोक लिहाज की बात आ जाती सामने, परिजन मना करते हैं कि छोड़ो जो हो गया वो हो गया, बच के रहो, लेकिन फिर उसमें शाहरुख जैसा कोई सनकी आ जाता है और फिर अंकिता हमारे बीच नहीं रहती। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, इसके जवाब तो हमें तलाशने होंगे, हमारे खुद के अंदर झांकना होगा, समाज को देखना होगा कि वो कैसे इस तरह की घटनाओं को रोक सके, क्योंकि कानून ऐसी चीजों को रोक तो नहीं सकता, हमें रोकना होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन कई दूसरी महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर भी जो राज्य में घटी है उस पर भी हम लगातार चर्चा करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।